चलिए सो स्टार्ट किया जाए इसी बात पे आज का सेशन सबसे पहले जाइए सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ पहले तो शेयर कर दीजिएगा ठीक है क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना ही रियलिस्टिक कंपटीशन उतना ही बेहतरीन कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है ये सेशन आपकी तैयारी नहीं है आपको आपकी तैयारी तो दिखाता ही है साथ में आपको ये रियलाइज कराता है कि आप किस लेवल पे हो और आपको अभी कितनी प्रिपरेशन और करनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक है इसलिए ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है चलो काहे डर रहे हो भाई क्यों डर रहे हो डर लग रहा है स्टार्ट करो जल्दी से डरने जैसी कोई बात पहली चीज तो है नहीं यहाँ पर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो बस इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो आपने पढ़ा है एग्जैक्टली exactly वही एग्जाम में आएगा इंग्लिश की तो मैं इतनी गारंटी लेकर आपको कह सकती हूँ क्योंकि मैंने वो हर चीज आपको पढ़ा रखी है जो आपके एग्जाम एग्जामिनेशन में पूछी जाती है ठीक है चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड शो सबसे पहले जाओ और सेशन को लाइक करके आओ ये है आपका टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लेना सब लोग फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार सब लोग मैं बस टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन पोस्ट कर देती हूं कि सेशन लाइव हो चुका है ठीक है चलो भाई तो घड़ी आ चुकी है मुकाबले की हाँ जी मुकाबले की वो घड़ी आ चुकी है जब आपको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है भाई ठीक है चलो एक चीज और समझ लीजिएगा गाइस कि टेस्ट बुक ने लॉन्च करी है बिहार गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग इस कोचिंग में आपको पता है क्या मिल रहा है uh, दक्ष थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट एंड जय हिंद एम फाइन Uh, बिहार गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सुपर कोचिंग लॉन्च हुई है इस कोचिंग में आपको समझ लीजिए पूरा कोर्स मिलेगा अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हो और सरकारी नौकरी जैसे कि बी एस एस सी सीजीएल दरोगा सचिवालय एसआई SI, पुलिस कांस्टेबल इनमें से कोई भी नौकरी अगर आप करना चाह रहे हो ना बेस्ट है आपके लिए ठीक है आप एक बार टेक्स्ट बुक की वेबसाइट एक्सप्लोर करिएगा वहां पर आपको सारी सुपर कोचिंग्स मिलेंगी आपको इसमें ये सारी चीजें मिलेंगी छह सौ पचास से ज्यादा मॉक टेस्ट दो सौ से ज्यादा स्टडी नोट्स पंद्रह से ज्यादा लाइव क्लासेस और पंद्रह प्लस से ज्यादा वीडियो कोर्सेज आपको मिलेंगे सुपर टीचर्स द्वारा ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलना है और साथ साथ में ये सारे सुपर टीचर जो आपकी क्लासेस लेंगे इसमें ये है बिहार के सुपर टीचर्स ठीक है तो आपके पास मौका है बेस्ट टीचर से पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को हंड्रेड परसेंट पहुंचाने का भीड़ जितनी भी हो डर दर, डरता दर, वो नहीं है भीड़ से जिसकी प्रिपरेशन खुद में बेस्ट होती है तो अपनी प्रिपरेशन इतनी बेस्ट बनाओ इतनी बेहतरीन बनाओ कि भीड़ कितनी भी हो आपका नाम तो आना ही आना लिस्ट में है ठीक है चलिए इसी जोश के साथ इसी मोटिवेशन के साथ खुद को बेस्ट बनाने के लिए एक स्टेप लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे टा चलो शुरू कर दो द लीग लीग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है द दू ए आईपीएल ट्वेंटी वन पढ़ो और आंसर दो हम क्यों पढ़ रहे हैं पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट से सब लोग चलो शुरू हो जाइए वो कैप की सेशन आपकी सुबह नौ से दस चलती है दैट इज फॉर एस एस सी सीजीएल टीयर टू एज वेल ठीक है जो भी आपका एग्जामिनेशन आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सुबह वाले सेशन में पढ़ाती हूं सो प्लीज बी देर एट नाइन एम शार्प आंसर देना शुरू करो सारे लोग सेशन को लाइक like करने के साथ साथ ठीक है आ जाइए चलो देखिए जरा कौन इसका आंसर देता है द यू ए लीग ऑफ द आईपीएल ट्वेंटी ट्वेंटी वन fewer out subject of course to few conditions few का मतलब क्या होता है गाइस few का मतलब होता है कुछ नहीं नथिंग एट ऑल few means nothing at all a few का मतलब होता है थोड़ा ठीक है और पॉजिटिव सेंस में a few का मतलब यूज होता है स्मॉल नंबर तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर व्हिच वन ऑप्शन नंबर सी जहां पर यहां पर आएगा अ ठीक है चले आगे अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल लीक के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिंग मिस्टेक है वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आंसर बताइए माय बाइक हु अ ब्रोकन सीट इज इन गैरेज देखिए जरा आंसर कौन देता है सब लोग बताइए बाइक यहां पर कोई इंसान है ऑल दो बाइक से लोगों को प्यार बहुत होता है और बाइक को अपनी जान ही मानते हैं इंसान ही मानते हैं लेकिन फिर भी दैट चेंज द फैक्ट फिर भी बाइक को हम इंसान कंसिडर नहीं कर सकते हैं बाइक है तो एक ऑब्जेक्ट तो उसके लिए हम हु कभी नहीं लगा सकते हम क्या लगाएंगे हम बाइक के लिए विच लगाएंगे आप कितना भी बाइक से प्यार करिए बट वो इंसान ऑब्वियसली नहीं बनेगा क्या हो जाएगा इट विल बी विच ठीक है सो माई बाइक विच हैज ब्रोकन सीट इज इन द गारेज ठीक चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल फटाफट से हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा स्पीड पकड़ लीजिए ठीक है सेशन को बहुत लंबा नहीं रखना है छोटा सा सेशन होगा और क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे यहाँ पर चलो देखिए कौन आंसर देता है इसका टेक्स्ट बुक पास आपके मॉक टेस्ट के लिए होता है टेक्निकल जी टेक्निकल कंपटीशन टेस्ट बुक पास मॉक टेस्ट के लिए होता है भाई वीडियो लेक्चर्स ये है ना आपके ठीक है चलो बताओ माइक डिड नॉट ऑब्जेक्ट मी हिज हॉकी स्टिक देखो जरा कौन आंसर देता है ऑब्जेक्ट मी होना चाहिए अच्छा माई हिमांशु महाराणा योर आंसर इज राइट जितने लोगों ने माई बोला है पहले तो उनके लिए क्लैप्स कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो रूल्स को यहां पर रिटेन कर पाते हैं याद रख पाते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होना है तो कोशिश करो मैं रूल बता रही हूं ना इसको दिमाग में रखो यहां पर प्रैक्टिस करने आओगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी रूल दिमाग में रहेंगे कुछ लोग होते हैं एक दिन आए एग्जाम हो गया सो गए अगले एग्जाम में फिर एकदम डब्बा गुल तो ये चीज नहीं करना है आपको ये नहीं बनना है डब्बा गुल देखिएगा बोरोइंग लिखा हुआ है बोरोइंग बौ, है क्या समझिएगा ये बोरोइंग क्या है बोरोइंग एक जेरेंड है

एग्जैक्टली सो ये तरीका था हमारे क्वेश्चन को सही बनाने का माइक डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माइक स्टिक वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सब लोगों और मुझे बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा एज द टू ब्रदर्स मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे है देखे कौन इसका आंसर बताता है जस्ट वेट एंड वॉच Each other बोल रहे हैं रूल है यार ऑब्वियसली इट्स रूल रूल क्या कहता है एक वर्ड होता है हमारे पास एक फ्रेज है ईच आदर और एक है हमारे पास एनी वन एन अदर सॉरी दूसरा क्या है वन एन अदर है ईच आदर ठीक है और दूसरा है वन एनदर वन अनदर यूज होता है फॉर मोर दैन टू और ईच अदर यूज होता है फॉर टू टू ब्रदर्स साफ साफ मेंशन है अब क्योंकि टू ब्रदर्स मेंशन है तो यहाँ पे वन अनदर की जगह हो जाएगा ईच अदर बताओ समझ में आई ये चीज अब एक बार सारे लोग जाइए और सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए जल्दी से जाइए और लाइक बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपकी अटेंडेंस यहां पर माफ हो जाए ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर चलो रितु इज एन डैश रीडर आई ऑलवेज फाइंड हदक लेट सी जल्दी से बताइए अविड होना चाहिए इरिटेटेड अविड इन अटेंटिव या फिर इराक्टिव सारे वर्ड्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए इसका आंसर देने के लिए लोग कह रहे हैं अविड होना चाहिए चलिए बताइए फटाफट से आंसर irritated reader कोई सेंस बना इरिटेटेड रीडर इरिटेटेड का मतलब क्या होता है जो चीज़ बहुत इरिटेट रहे चिढ़ा रहे तो इरिटेटेड रीडर का तो कोई सेंस नहीं बना ठीक है erratic का मतलब होता है जो चीज इरेगुलर होती है इरेगुलरली अब ये भी कोई सेंस नहीं बनाया क्योंकि हमेशा किताब के साथ पाई जाती है तो avid reader होगी avid का मतलब होता है enthusiastic enthusiastic इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग मीनिंग सा ठीक है इंथुजियास्टिक रीडर यहां पर हो जाएगा क्लियरली समझ में आई ये चीज सब लोग बताइए राइट चलिए क्योंकि हमेशा किताब के साथ पाई जाती है मतलब उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है अब जिसको पढ़ना अच्छा लगता है तो वो एक इंथुजियास्टिक रीडर हुआ ना दैट इज वाई ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास The first dash to use drones in नेशनल पार्क वॉज मेड इन टू थाउजेंड एंड देखिए जरा आंसर देता कौन है इसका चलिए हम्म। hmm? ध्यान मत दिया करिए गायस जब मुझे कोई ऐसा इंसान दिखता है मैं ब्लॉक कर देती हूँ डोंट वरी ध्यान मत दीजिए आप आंसर दीजिए अपना वही लोग हैं जिनका लाइफ में कुछ हो नहीं सकता कुछ नहीं कर सकते हो आप अपना जबान गंदी करता है बस हम लोग इनके बारे में बातें करके चलो अटेम्प्ट क्या बात है एक दूसरे का आंसर देख कर तो नहीं दे रहे हो ना द फर्स्ट अटेम्प्ट टू यूज पहली कोशिश पहला प्रयास पहले प्रयास की बात करी जा रही है ना तो क्या हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा ठीक शूट का पास्ट टेंस होता है शॉर्ट ना अटैक और चैलेंज कोई सेंस नहीं बना राइट आंसर इज अटेम्प्ट पहला प्रयास हुआ था ड्रोन्स का कजीरंगा नेशनल पार्क में दो में ठीक है शाबाश अगला क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी अब आप लोग के देखो वाले ठीक हो रहे हैं दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इसलिए यहां पर कंसिस्टेंट बने रहना है आप लोगों को ठीक है चलो बताओ स्लो रखू चलिए कोई बात नहीं आंसर बताइए ही रिकॉल्स हाउ इम्प्रेस्ड ही वॉज पता है जब स्लोली नोट ना कर पाया करो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और सेशन खत्म होने के बाद फटाफट से लिख लो ये प्रॉफिटेबल चीज होती है खुद सोचना अगर मैं टाइम लेकर ले पढ़ाऊंगी तो हम पूरे क्वेश्चन यहां पर कर ही नहीं पाएंगे मेरा टारगेट होता है हमेशा फिफ्टी क्वेश्चन करने का ठीक है चलो देखें जरा ही रिकॉल्स हाउ इम्प्रेस ही वॉज एज अ चाइल्ड बाय द डैश एंड एनिमेशन ऑफ इज अंक मैराथन कॉन्वर्जेशन मतलब किसी की बातों के लिए कोई ऑब्जेक्टिव हमको चाहिए है ना इम्पोर्टेंसी कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं वॉल्यूबिलिटी इंपोर्टेंसी एक नेगेटिव वर्ब है इंपोर्टेंसी का मतलब होता है लैक ऑफ पावर जिसके पास ताकत ना हो लैक ऑफ पावर रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलना स्पीकलेस ठीक है talking fluently इसका मतलब क्या होता है टॉकिंग fluently और ऑप्शन नंबर 1 इनकंपिटेंसी जब आपके पास स्किल्स ना हो नॉट हैविंग स्किल्स नो स्किल्स किसी काम को करने की जब स्किल्स नहीं होती है तो वो चीज इनकॉम्पिटेंट होता है तो राइट आंसर हो जाएगा वॉल्यूबिलिटी यहां पर समझ में आया अपने अंकल से वो इंप्रेस था उनके अंकल बचपन में क्या उसको कुछ चीजें सिखाते होंगे अच्छी तरीके से उसको कहानियां वगैरह सुनाते होंगे ट्रिक्स बताते होंगे तो वो उनसे इंप्रेस था उनकी वॉल्यूबिलिटी से राइट right? चलिए अगला सवाल आपके पास सोच समझ के आंसर दिया करो ठीक है अगला सवाल आपके पास ये रहा जरा मुझे आंसर बताइए जल्दी जल्दी देखो आई टोल्ड हर आई टोल्ड हर दैट दे द ट्रूथ सून जल्दी से अरे ये सबके लिए है ये जो मॉक टेस्ट है ये CGL टू, SSC, MTS, सब के लिए है, ठीक है क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन मिक्स रखे हुए हैं लोगों का कहना है ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए आई टोल्ड हर डिस्कवर द दुन सून इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है वुड इनडायरेक्ट में तब आता है जब मेन में विल है चारों में विल है टोल्ड हर सेड हर कभी डायरेक्ट में टोल्ड नहीं आता इसको हटा दो सेड के साथ टू I said to her हाँ ये तो ठीक है I said her गलत है इसको हटा दो I said to her they will have to कहां से आया have to कहां से आया perfect तो यहां पर है ही नहीं ना तो ये वाला गलत हो गया answer is option number one clearly बताइए समझ में आया ऑप्शन नंबर वन चीजों को धीरे धीरे एलिमिनेट किया करो ये आपके जो नरेशन और वॉइस वाले क्वेश्चन है ना आपको तीन चार रूल्स बताए हैं उन्हीं के बेसिस पे एलिमिनेट करते चलो जो बचा वही आंसर ठीक है सबसे बेस्ट चॉइस होती है इसमें कोई आप स्ट्रक्चर वगैरह याद करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे एग्जाम पे टाइम पे कोई फायदा नहीं है स्ट्रक्चर को याद करने का ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सारे लोग देखो जरा इसमें वॉइस चेंज करनी है लेट्स सी हां जी आर्यन हम कोशिश करेंगे चलो फटाफट पट से आंसर बताइए सब लोग ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर वन के बीच में कंफ्यूजन लग रही है यहां पर फोर्स ऑफ दर्न द लीव पहली चीज तो टेंस कौन सा है टर्न से पता चला कि टेंस इसका है सिंपल पास का रूल है कि कभी टेंस चेंज नहीं होता जो गिवन स्टेटमेंट का टेंस है एग्जैक्टली exactly वही टेंस होता है आपका आंसर स्टेटमेंट का तो वर टर्न यह आपका सिंपल पास्ट है इसको होल्ड पे रखते हैं वॉज कॉज बाई टर्न तो इसमें आया ही नहीं है टर्निंग द लीवस ना 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 इसमें तो गल मतलब एकदम चेंज ही कर दी है लैंग्वेज ये तो सही है ही नहीं ठीक द लीज टर्निंग टर्निंग लिखा है सिंपल पास नहीं है इसको हटा दो फिर से टर्निंग लिखा हुआ है ये भी सिंपल पास नहीं है इसको हटा दो बचा क्या वही हमारा ऑप्शन नंबर वन सिंपल पास टेंस है यही हमारा आंसर है ठीक है ये चीजें दिमाग में रखो एक्टिव फैसल में कभी टेंस चेंज नहीं होता है नरेशन में टेंस चेंज होता है प्रेजेंट अपने रिस्पेक्टिव पास्ट में चले जाते हैं ठीक है का चेंज मे माइट शाल का शो विल का वोड इस तरीके से ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो और बताओ जरा आंसर सब फटाफट से सारे लोग शिवानी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी यहां हर दिन आकर तो देखो इतना ही फास्ट आप भी कर लोगे में चलिए देखूं जरा सुमित से असिस्टेंट आर यू टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अब देखो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है सेड ये प्रेजेंट में अब हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको होना इनडायरेक्ट में भी पास्ट में ही है आस्क और आस्क वाले दोनों हटा दो सीधे एलिमिनेट हो गए दोनों क्योंकि इसमें टेंस का ही इन्होंने टेंस चेंज कर दिया है रिपोर्टिंग वर्ब का अब बचते हैं पहला और दूसरा पहले और दूसरे को ध्यान से देखना सुमित आज द असिस्टेंट व्हाई ही वाज ये दे कहां से आ गया आर यू पूछा है ना असिस्टेंट से सिर्फ असिस्टेंट की बात करी है तो यहां पे प्लुरल कहां से आ गया हो गया ना गलत लो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 बताइए सब लोग कोई डाउट किसी को <laughs> चलिए अच्छा लगा हमको कि हम आपकी लाइफ में आपकी इंग्लिश में सुधार ला पाए हैं ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे ठीक चले आगे अरे बिल्कुल सीएचएसएल के लिए है सारे एसएससी और डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट है करते जाओ बस फटाफट से सोचते रहोगे सवाल करते रहोगे तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे आंसर देने में चलिए आंसर बताइए फटाफट से ग्रामर क्लास भी यही चलती है यार बैंकिंग के लिए सेशंस नहीं है नॉट फॉर बैंकिंग बैंकिंग का लेवल डिफरेंट होता है बिल्कुल चलिए द वॉलियर्स इंश्योर दैट नो वन वॉज हर्ट देखें कौन दे पाता है सेशन को लाइक नहीं करते चलो 700 से ज्यादा हो और 400 लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया क्या 400 लोगों को भी सेशन अच्छा नहीं लग रहा है जिनको अच्छा लग रहा है एटलीट जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन फॉर वंस चलो आंसर आना शुरू हो गए हैं अब देखो इसका वॉइस चेंज करनी है और वॉइस में सबसे पहला रूल होता है कि भाई टेंस चेंज नहीं होता ये टेंस पहचानो कौन सा है इनश्योर्ड लिखा है मतलब कि सिंपल सिंपल पास्ट टेंस टेंस है tense तो भाई यार हो गया अब जरा ऑप्शंस देखते हैं बीइंग याद रखना हमेशा पैसिव के कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है तो ये वाला सीधे सीधे हटा दो वॉज टू बी इंश्योर्ड सिंपल पास टेंस में टू बी नहीं लगता ठीक है याद रहेगा सिंपल पास टेंस में टू बी नहीं लगता इसको हटा दो हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट हो गया इसको हटा दो वॉज इंश्योर्ड ये है स्ट्रक्चर सिंपल पास टेंस का तो आंसर भी हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर यस दिस इज फॉर इंडिया दिस इज फॉर ऑल डिफेंस एंड एस एस सी एग्जामिनेशन ठीक है चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है ठीक <laughs> चलिए अगला सवाल हमें अच्छा लगा सुन के गांधी जी पीएम जी चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आंसर बताना इसका फटाफट से सारे फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइट ओबीडियंस वीकनेस भाई हमारे सेशन में आज राहुल गांधी स्वयं पधारे रहे हैं क्या बात है चलिए आंसर दीजिए फटाफट से सारे ओके okay. ओके okay. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज वो कैबरी के क्वेश्चन की होती है कि आप डायरेक्शन पढ़ो कॉम का मतलब होता है आज्ञा का पालन आज्ञा का पालन ठीक है जो कहा जाए वही करो एग्जैक्टली exactly. आज्ञा का पालन एक्जैक्टली exactly जो बोला जा रहा है आप वही कर रहे हो फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब होता है जो चीज चेंज हो जाए टेंडिंग टू तो चेंज है ना टेंस टू चेंज समथिंग दैट टेंस टू चेंज चीज बदल जाए चेंज हो जाए ठीक स्पाइट का मतलब क्या होता है कोई मुझे बताएगा स्पाइट का मतलब किसी को हर्ट uh, करने की कोशिश करना चिढ़ाने की अनोय करने की कोशिश करना ठीक है Want to hurt और cheat और injure, ठीक है ओबीडियंस का मतलब तो पता ही है आज्ञा खरी और वीकनेस का मतलब कमजोरी सुनोने क्या हो गया ओबीडियंस हो गया ना आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री क्लियरली राइट right? कोई डाउट कोई शक तो नहीं चलिए अगला सवाल आपके पास ये रहा फटाफट से आंसर देना सब लोग इन लिवेन देखो जरा विथ होल्ड एन फ्राइट आंसर चलिए पी डी एफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है और टेलीग्राम का लिंक गाइस क्योंकि एक्सपायर हो गया है तो मैं इसलिए नाम यहां पर लिख रही हूं आप सिंपली सर्च करना आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्सट बुक इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है इसको आप एज इट इज टाइप करोगे जब टेलीग्राम पे तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा प्लस सब्सक्राइबर्स का ग्रुप है सारे पीडीएफ नोटिफिकेशन मुझसे रिलेटेड सब आपको यही मिलते हैं ठीक है 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 एम एम ए नाम चलो आपसे पूछा गया है इन लेवन इनलेवन का मतलब क्या होता है कोई चीज बहुत इंटरेस्टिंग है अपीलिंग इंटरेस्टिंग इंथूजिया चीज इन इलेवन कहलाती है एल आई वी आर जाए लाइव का मतलब ही एनर्जी है तो इन इनलेवन मतलब एनर्जेटिक इंटरेस्टिंग चीज आपको इसका अर्थन बताना है क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव इसका पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है विदहोल्ड किसी चीज को पक, मतलब स्टे करके रखना विदहोल्ड ठीक है क्रिएट का मतलब बनाना ब्राइटन इसका सिमिलर हो गया ये रहा इसका नेगेटिव डिसहार्टन निराशाजनक निराशाजनक ठीक चलया ये एग्जैक्टली exactly. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या कहता है देखते हैं 500 लाइक्स हम कितनी देर में पहुंच पाते हैं लेट्स सी एनर्जी आप लोग के अंदर मुझे अच्छी खासी दिख रही है बट लेट्स सी कितनी देर में हम 500 लाइक्स यहां पर टच कर पाएंगे कम ऑन एवरीवन जो आ चुके हैं सेशन में सेशन को लाइक भी कर दो एवरीट इज द टर्म चैलेंज डिस्प्यूट एक्सपैंड या फिर अपोज कौन देगा इसका आंसर एक्सपैंड इतनी तेज यहां पर आंसर आ रहे हैं सबने बोला है एक्सपैंड एब्रीवियन का मतलब क्या होता है किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म तो इज अ वर्ब जिसका मतलब फैलाना ठीक है करना, करना इसका मतलब तो इसका उल्टा हो जाएगा एक्सपैंड चैलेंज का मतलब सबको पता है डिस्प्यूट का मतलब वाद विवाद और अपोज का मतलब किसी की खिलाफत करना ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री किसी को कोई डाउट इसमें

बस डायरेक्शन पढ़ते चलना यार डायरेक्शन नहीं पढ़ोगे तो धोखा अपने को दोगे ठीक है चलो ये वर्ड क्वारल से बना है क्वारल का मतलब लड़ाई लड़ाकू जिसको लड़ाई करने का मन करता रहे है ना क्या बोलते हो इसको आप लड़ाकू प्रेग्मेटिक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होता है ठीक है जो प्रैक्टिकली सोचे quarrelous भी समझ लीजिए quarrel से ही बना है आंसर हमारा सिनोनिम quarrelous हो गया ये दोनों ही देखो quarrel से बने हैं ठीक है ठेके? ambiguous का मतलब समथिंग दैट इज नॉट श्योर नॉट श्योर और opaque का मतलब क्या होता है जिसके आर-पार ना दिखे वो चीज opaque कहलाती है तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 याद रहेगा क्वेरल क्वेरल दोनों क्वेरल से बने हैं क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई दोनों का ही मतलब लड़ाई से रिलेटेड है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर आंसर बताना मुझे सब लोग फटाफट से द क्वेश्चन इज अनफसी कोऑपरेटिव प्रॉमिसिंग या फिर चूजी कौन देगा आंसर यस ये चलो बेलीजरेंट भी इसका बेलिकोस बेलीजरेंट एग्जैक्टली वेरी गुड इसी के सिनोनिम्स है बताना देखें किसने डायरेक्शन पढ़ा है और कहीं कौन सही आंसर दे पाएगा ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट अब देखना पास होता कौन है एक ऐसा पर्सन होता है ना जिसको इंप्रेस करते करते लाले पड़ जाए ये इंसान कभी इंप्रेस नहीं हो सकता छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है छोटी छोटी डिटेल्स पे गौर करता है ये इंसान बहुत मुश्किल है इसको इंप्रेस करना आपकी गर्लफ्रेंड ठीक है हार्ड टू इंप्रेस जिसको इंप्रेस करना बहुत मुश्किल हो ठीक है और अनफसी कौन होता है ये बेचारा आसानी से मान जाता है इजिली इंप्रेस हो जाता है इसके लिए कुछ भी थोड़ा सा कर दो ये इंप्रेस है ठीक है तो ये होता है इजी टू इंप्रेस इजी टू इंप्रेसिव जो आपका सहयोग दे प्रोमिसिंग चीज जो चीज प्रोमिसिंग होती है वो क्या करती है वो लंबे समय तक चलती है है ना फ्यूचर में सक्सेस होती है उस पर और चूजी का मतलब जो बहुत चीजों को चुन कर ले वो चूजी होता है ठीक चलिए चलिए अगले सवाल पे चले अगला क्वेश्चन आपके सामने हर एक वर्ड का मीनिंग सुन लिया करो ध्यान से ठीक है क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है ये तो बहुत ईजी सा वर्ड है ये सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें चलो बताओ नो आई एम नॉट फास्ट इंडियस एट ऑल चलिए स्टार्ट डेड एजर्ट फिनिश या फिर हार्श क्या आंसर हो जाएगा आंसर बताओ सब फिनिश अच्छा ग्रामर वो कैगरी सब यही चलती है आपको सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन करना है अनन्या मैम बुक सारी क्लासेस के आपको वहीं पर मिल जाएंगे ठीक है चलो स्टार्ट का मतलब शुरुआत आपसे पूछ रहा है आठ फिनिश मेरे दोस्त फिनिश एजर्ट का मतलब होता है किसी चीज का सपोर्ट करना किसी चीज को और क्लियर बनाना सपोर्ट करके उसका डेड का मतलब मरा हुआ हार्श का मतलब कठोर तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चले आगे अगला सवाल ये रहा कॉन्विक्शन इज द टर्म कॉन्विक्शन फॉल्स बिलीव डिप्रेस एंशियस या फिर स्ट्रॉन्ग बिलीव आंसर बताइए सब लोग फटाफट से और सेशन को लाइक जिसने अभी तक नहीं किया है जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन पीपल 700 हो तो यार मुझे दिखने तो 700 के चाहिए ना कि अच्छा लग रहा है इनको सेशन चलिए बताइए आंसर स्ट्रॉन्ग बिलीफ अच्छा बेसिकली जब आप बहुत ही स्ट्रांगली इसी ने क्राइम किया है आप उस पर आरोप लगा रहे हो जब आप बिल्कुल श्योर sure हो आपका बिलीफ बिल्कुल स्ट्रांग है कि इसी ने क्राइम किया है आपने उसके ऊपर आरोप लगा दिया दिस इज कॉन्विक्शन तो कॉन्विक्शन का सबसे सिमिलर यहां पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही है एंशियस का मतलब होता है चिंतित परेशान ये इंसान क्या है चिंतित है परेशान है ठीक है डिप्रेस्ड सबको पता है कौन होता है फॉल्स बिलीफ का मतलब झूठा भरोसा फॉल्स बिलीफ कहलाता है ठीक है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फोर इन दिस केस क्लियर चलो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आंसर बताना सब लोग द वर्ड इज फेक ड्राइनेस फर्टिलिटी एरिड टॉरिड कौन इसका आंसर बताएगा अरे वीडियोस यहीं पर रहेंगी यूट्यूब की अरे यूट्यूब जैसी ही तो नॉर्मल है चलो आ जाइए फेकंडिटी का देखते हैं कौन बता पाता है फटाफट से बताओ सारे पूछा क्या गया है आपसे पहले तो ये देख लो सेम समवन हु प्रोडक्टिविटी जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो वो फेक ये चीज फेकंडिटी कहलाती है ठीक है प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है जिसकी ये चीज फेकंडी कहलाती है अब देखो जरा यहां पर सारे वर्ड्स का मीनिंग टॉरिड का मतलब होता है बहुत ही हाई और इंटेंस इमोशंस ठीक है इंटेंस इमोशंस एरिड का मतलब होता है सूखा ड्राइनेस का मतलब भी सूखा और फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊ प्रोडक्टिव सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू क्लियरली फर्टिलिटी ऑप्शन नंबर टू ठीक चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा वन हु कंट्री जो अपने देश से प्यार करे चारों वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए आपको फटाफट से बताओ यार जो अपने देश से प्यार करे पैट्रियोट कहलाता है रेटिसेंट तो नहीं कहलाता है या फिर ट्रेडर तो नहीं कहलाता है सोच लेना जरा देखूं चलो आओ और बताओ आंसर रेटिसेंट कौन होता है जो कम बोले वो रेटिसेंट ट्रेटर होता है गद्दार बिट्रेयर धोखेबाज और पाट्रियोट होता है देशभक्त तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन क्लियरली ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट इंटिग्री और क्वालिटी जिसकी क्वालिटी बहुत गिरी हुई हो क्वालिटी बहुत खराब हो उस चीज को आप क्या कहते हो नेग्लेचिबल माइंड से बताइएगा आंसर जिसकी क्वालिटी बहुत खराब हो देखें कौन बताएगा नेग्लेचिबल नेग्लेचेबल का मतलब क्या होता है नेग्लेचल का मतलब है ना के बराबर ठीक है ना के बराबर फिर देखो माइल्ड का मतलब बहुत हल्का ठीक है कोई चीज अगर बहुत सिवियर नहीं है सिवियर का जस्ट उल्टा है बहुत हल्की सी चीज सेवियर का मतलब होता है बहुत गंभीर कोई चीज बहुत खराब है बहुत गंभीर है अनप्लीजेंट है तो उसके लिए सिवियर यूज होता है और जेंटल इसका जस्ट ऑपोजिट ठीक है तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज सिवियर गंभीर ठीक है माइल्ड वाले लोगों आपने जस्ट उल्टा बता दिया है जो आपसे पूछा गया है उसका ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आंसर दीजिए सारे के सारे वन हु बी व्हाट ही इज नॉट है कुछ और और दिखावा कुछ और होने का ऐसा इंसान कौन होता है सोचो है कुछ और और दिखा कुछ और रहे हैं कॉनस्वा सरकमेंशन काउंट फीटर कॉन्जर्वेटिव आंसर दीजिए hmm? सब लोग बताइए आंसर और अपने ऊपर भरोसा रखो खुद का आंसर देना दूसरों का देख कर प्लीज मत देना सब लोग बताइए चलो कनुस्वा क्रिटिकल जज ऑफ समथिंग ये किसी चीज को इसके अंदर स्किल्स अच्छी खासी होती हैं किसी चीज को जज करने की क्रिटिकल जज ऑफ समथिंग सम का मतलब होता है इस रास्ते में कोई मुसीबत आ गई मुश्किल आ गई तो उसको घूम कर उससे निकल जाना समवन हु अवॉइड्स प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स को एकदम चकमा देकर निकल जाए दिस इज कॉल्ड सरकमेंशन काउंटरफीटर होता है जो नकली दिखाता है है कुछ और अंदर से बाहर से आपको नकलीपन दिखा रहा है आंसर हो जाएगा और कंजर्वेटिव कौन होता है पुरानी घिसी पिटी परंपराओं को मानने वाला कंजर्वेटिव कहलाता है ठीक है घिसी पिटी परंपराओं पुरानी चीजों को मानने वाला इज कंजर्वेटिव तो आंसर हो जाएगा काउंटफी ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताइए जरा द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी कॉकपिट कैनोपी चेसेस या फिर फ्यूसिल देखें जरा कौन है यहां पर असली पायलट कौन देता है इसका आंसर लेट्स सी जल्दी से बताओ सब अब सुनिएगा आई नो मेरी ड्रॉइंग अच्छी है तारीफ कोई नहीं करेगा जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन अब जैसे कि देखेगा ये आपका प्लेन है ठीक है ये आपका प्लेन है ठीक है अब मुझे आप बताओ इसकी जो मेन बॉडी होती है ठीक है इसकी जो बॉडी होती है उसको आप क्या बोलते हो फ्यूस इलाज इस तरह आंसर बिल्कुल सही है जितने लोगों ने फ्यूस इलाज बोला है अब आप लोग अब आप लोग <laughs> कोई कह रहा है मैम बोर्ड डर रहा है यार इतनी भी खराब फिर नहीं है मेरी ड्राइंग मतलब आप लोग तो मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं ड्राइंग क्लासेस लेने लग जाऊं ऐसा मत करो यार ड्राइंग क्लासेस लेने लग जाएंगे तो आपकी क्लासेस कौन लेगा यहाँ पर चलो ओके इट्स अ गुड प्लेन कॉकपिट क्या होता है कॉकपिट होता है आगे जो पायलट का कंपार्टमेंट होता है ठीक है पायलट का कंपार्टमेंट कहलाता है कॉकपिट समझ में आया अब कॉकपिट में जो आगे ग्लास लगा होता है ना दोस्त इस ये चीज क्या अनुपी होती है समझ में आया ठीक क्लियर है और जो किसी भी वीडियो मतलब पहिए वाली गाड़ी में जो बेस होता है उसको हम चैसेस बोलते हैं ठीक और फ्यूसिलाज इस राइट आंसर फ्यूसिलाज होती है इसकी बॉडी ठीक है इट्स नॉट इट्स ऑन एयरप्लेन फिश बोलने वालों की को जनता माफ नहीं करेगी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक चलिए कहानी खत्म अगला सवाल देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप बताना इसका आंसर सब लोग फटाफट से देखे कौन इसका आंसर देता है चलो आंसर दीजिए आपसे पूछ क्या रहा है डायरेक्शन देखो पूछ रहा है गलत स्पेलिंग इनमें से कस्टडी सही है कस्टम सही है कर्सरी सही है कर्सी की स्पेलिंग होती है C -O -U -R -T -E -S -Y, सी ओ यू आर टी ई एस वाई कोट जो हाई मॉरल्स होते हैं कोचसी होती है कर्टसी सी o ओ यू आर टी ई एस वाई ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गाइज वेन आर वी रीचिंग सेवन हंड्रेड लाइक्स सेवन हंड्रेड कब पहुंच रहे हैं भाई एनर्जी है कि एकदम डल हो गए हो सारे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आंसर बताना सब फटाफट से ये yes, शिष्टाचार देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है फटाफट से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए अच्छा यार देखो या तो एक्सप्लॉयटेशन होगा या होगा एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन लिखने की कोशिश करी है एक्सप्लोजन क्या होता है दोस्तों एक्सप्लोजन होता है विस्फोट तो आंसर क्या हो जाएगा ई एक्स पी एल ओ एस आई ओ एन इसका मतलब होता है विस्फोट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है हाँ जी चलिए अगला सवाल देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए था लेकिन ये क्या हो गया ओ तेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्नेक इन दी ग्रास ये बहुत कॉमन इतना आसान इडियम है लेकिन आज तक इतनी बार पूछा है रिकॉर्ड टाइम्स पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन आपसे तो आंसर सब लोग मुझे देंगे ऐसे कैसे खत्म हम हैं ना चलिए बताइए आंसर सब लोग स्टेक ग्रास आप चल रहे हो घास में नीचे है घास अगर आप घास में चल रहे हो तो अगर घास में कोई सांप यहां पर छुपा हुआ है तो क्या आपको वो सांप दिखेगा वो सांप आपको नहीं दिखेगा वो आपके पैर में डंक मार देगा ठीक है तो वो इंसान जो आपको छुपकर धोखा दे दे वो दोस्त जो आपकी पीठ पे छूरा भोंक रहे बस वही है आस्तीन का सांप आप बोल सकते हो स्नेक इन दि ग्रास छुपा हुआ दुश्मन ठीक है तो क्या हो जाएगा डिसीटफुल पर्सन यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर टू हिडन एनिमी डिसीटफुल पर्सन ठीक क्लियर चले आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताओ वॉइस अभी सीख कर आए हो उसी चीज को अप्लाई करो अभी रूल सिखाए हैं चलिए देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर चलो इंग्लिश ठीक हो गई है तो वेरी गुड यार हमारी मेहनत मतलब सफल हो गई है आंसर बताइए सारे लोग आर स्कूल ट्री टीम हैज वन द क्रिकेट चैंपियनशिप कौन देगा सही जवाब लेट्स सी हम्म स्कूल टीम हैज द क्रिकेट चैंपियनशिप कौन सा टेंस है मैंने आपको बेसिक रूल बताया था कि कभी भी वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है सो इसमें टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढते इसमें प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है तो पास टेंस है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है और इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है तो आंसर क्या हो गया मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ी ये आंसर मैं एक सेकंड में निकाल देती अगर मुझे एक्सप्लेन ना करना होता तो सिंपली चेक करो टिक मारो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा हो गया आंसर ऑप्शन नंबर टू इस राइट आंसर कोई शक ठीक है चलो क्लियर है अगला सवाल आपके पास ये रहा बताना इसका आंसर जल्दी से चलो है मेरी क्लास इंपॉर्टेंट एंट्रिम्स की और आगे भी होंगी ठीक है एग्जैक्टली एक वर्ड होता है गाइस हमारे पास विक्चुअल्स विक्चुअल्स का मतलब होता है जो खाना पीना है ना खाना पीना इसको हम विक्चुअल्स बोलते हैं द फूड एंड बेवरेजेस फूड एंड बेवरेजेस फूड एंड ड्रिंक इसको बोला जाता है विक्चुअल्स ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है खाना पीना विक्चुअल्स कहलाता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग ऑल राइट right, चलो गाइनाकोलॉजिस्ट गाइनाकोलॉजिस्ट यह वो होता है जो विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का का के बारे में स्टडी करता है उसको ट्रीट करता है गाइना गायने पहली चीज गायने लिखो जी वाई एन ए गायने है ठीक गाइने कोलॉजिस्ट गाइने जी वाई एन ए -E, गायने लॉजिस्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री जब भी बड़ा वर्ड आए मुश्किल वर्ड आए उसको तोड़ तोड़ के हमेशा ब्रेक कर करके किया करो ठीक है चलो अगला सवाल आपके पास ये रहा सेल क्लोज टू द विंड। आंसर दीजिए सब लोग इसका टू तो सेल क्लोज टू द विंड। बताना आंसर सब लोग बताइए चलिए टू सेल क्लोज टू द विंड सोचो Uh, समुद्र में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और आप वहां पर सेल कर रहे हो सेल कर रहे हो इन द सेंस हिंदी वो, वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है नाउ से यू आर जस्ट सेलिंग नाव से नाउ यू आर जस्ट सेलिंग तो अगर आप सेल कर रहे हो वहां पर जा रहे हो नाव से और हवा चल रही है बहुत तेज तूफान आ रहा है तो आपको खतरा है वहां पर डूबने का बस यही है सेल क्लोज टू द मेन मतलब आप डेंजरस सिचुएशन में कुछ कर रहे हो टू डू समथिंग इन डेंजरस सिचुएशन ऑप्शन नंबर फोर याद रहेगा हां जी खतरनाक चीज करना डेंजरस करना ठीक है चलो अगला सवाल आपके पास ये रहा आज से बताइए हिट द नेल ऑन द हेड टू हिट द द नेल ऑन हेड का मतलब क्या होता है एनर्जी आप लोग की रहती है तो सेशन पता भी नहीं चलता है है ना मुझे लिटरली पता नहीं चला सिर्फ दस मिनट बचे हैं हमारे सेशन को खत्म होने में hit the nail on the head बोलते है ना तीर निशाने पे जा लगना तीर निशाने पे लगना हम किसी के हेड पर ही तो मारेंगे अगर निशाना मारेंगे तो तीर निशाने पे जाकर लगना एग्जैक्ट सही चीज बोलना है ना एग्जैक्ट सही चीज बोलना डूइंग और सेइंग समथिंग दैट इज प्रिसाइज़ली राइट बिल्कुल सटीक चीज nail बिल्कुल हेड पे जाकर लग रही है सटीक चीज होना ठीक चले आगे अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा आंसर बताइए टू टेक स्टॉक ऑफ टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग देखें जरा इसका आंसर देता कौन है लेट्स सी एट हंड्रेड लाइक्स वी आर अवेटिंग कब होगा जितने लोग बाद में आए हैं सेशन को लाइक like कर दीजिएगा अच्छा लग रहा है तो इट्स नॉट कंपलशन कि करना ही करना है अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक ठीक है टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब क्या है किसी सिचुएशन की जांच पड़ताल करना देखना assess करना उसको ठीक है सिचुएशन को क्या करना जांचना सोचना समझना उसके बारे में जिससे कि आप डिसीजन ले पाओ ठीक है टू सिचुएशन टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग स्पेशली इसको आप याद कैसे रखोगे स्टॉक्स को लेने से पहले अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है स्टॉक्स का तो स्टॉक्स को लेने से पहले एक जो इंसान होता है वो सिचुएशन देखता है समझता है कि स्टॉक मतलब कंपनी कैसी है जिस कंपनी के स्टॉक्स हैं वो पिछला उसका पास्ट कैसा रहा है घाटे में चली है कि प्रॉफिट में चली है पहले वो सिचुएशन को एसेस करता है फिर स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो टेक स्टॉक ऑफ का मतलब एसेस सिचुएशन पहले सिचुएशन की जाँच करना ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा बताइए आंसर और मैं फिर से यहाँ पर गाइस अपने टेलीग्राम का नाम लिख दे रही हूं इनकेस आप में से किसी ने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे आपको मेरे सारे पीडीएफ मिलेंगे अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक ठीक है आप एज इट इज इसको टाइप कर लीजिएगा टेलीग्राम पे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा ठीक है यू आर गोइंग टू गेट ऑल द पी डी एफ ओवर चलिए एक सेकेंड सॉरी फॉर दैट अब बताइए आंसर लोग कह रहे हैं पुट थ्रू होना चाहिए ही वॉज डैश ट्वेल्व मंथस ऑफ मेंटली एग्जॉस्टिंग ट्रेनिंग लग रहा है कि क्या है ये डेफिनेटली आर्मी की होगी है ना चलिए बिल्कुल सही आंसर वैसे आप लोगों ने दिया है पुट थ्रू का मतलब होता है किसी को कुछ बर्दाश्त कराना किसी दौर से गुजारना जिसको हम बोलते हैं ठीक है किसी को कोई मुश्किल काम करवाना मेक सम वन डू समथिंग डिफिकल्ट ठीक है इसको बोला जाता है मेक डू समथिंग डिफिकल्ट दिस इज वॉट वी कॉल टू पुट थ्रू मुश्किल सिचुएशन में किसी को डालना ठीक है राइट right. चलिए अगला सवाल देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिरो आंसर बताना दो अ हीरोक्टेड अकावर्ड He दो देता कौन है यहां पर लीजिए आपको ऑल दो अभी मैं बता भी दूंगी क्लास का रूटीन क्या है ठीक है मेरी क्लासेस चार या पांच चलती हैं दिन में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं मेरी सुनिएगा ध्यान से सुबह नौ बजे फिर ग्यारह बजे फिर एक बजे तीन बजे दस बजे ये है मेरी क्लासेस की टाइमिंग हफ्ते में सिर्फ तीन दिन होती है मंडे वे और फ्राइडे ठीक है दोस्तों चलो पहली चीज कावर्ड एक नाउन है हमको यहां पे चाहिए क्या है हमको तो यार एडजेक्टिव चाहिए है हमें तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं ना कंपेयर कर रहे हैं कावर्ड या तो हम यहां पे एडवर्ब लगाते बेसिकली चाहिए हमको एडवर्ब ही लेकिन कावर्डली एडवर्ब नहीं होता है एज कावर्ड नहीं होगा लाइक अ कावर्ड को हम एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे नाउन हटा के हम लिख देंगे लाइक अ कावर्ड ऑप्शन नंबर वन सारे बताओ क्योंकि हमको नाउन चाहिए था यहां पे, इसलिए हमने लिखा लाइक अ कावर्ड वो किसकी तरह वो डरपोक की तरह एक्ट कर रहा था क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आंसर बताइए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सोच समझ के आंसर दीजिएगा जल्दबाजी में लोग अक्सर गलतियां करते हैं उस गलती को करने से बचना है और आंसर बताना है मुझको सब लोग देखो जरा वेरी गुड क्वेश्चन देखें कौन देता है आंसर वन फोर डिजिटल डिवाइड अच्छा बाकी लोग क्या लग रहा है आंसर इसमें अब वाइल्ड डैश इन ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ बंटवारा हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन में बंटवारा हुआ है डिवाइड हुआ है यहां पर डिवाइड एक नाउन का काम कर रहा है ठीक है अब डिवाइड क्योंकि नाउन का काम कर रहा है तो इसको मोडिफाई तो एडजेक्टिव करेगा डिजिटली एक एडवर्ब है तो ये गलत ठीक डिजिटली ये गलत हो गया अब डिवाइड एक नाउन है तो डिवाइडेड थोड़ी ना आएगा वर्ब थोड़ी है जो उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो बचा के ऑप्शन नंबर थ्री यही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री आंसर कोई शक परेशानी डाउट नहीं है ना चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना और मुझे बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा सब लोग दे गो आउट विद ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस टू परफॉर्म दैट ड्यूटी कौन देगा आंसर फटाफट से बताओ एंड गाइस लेट्स रीच 900 लाइक कैन वी चलिए आंसर बताइए पहले तो चलो दे गो आउट विद ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस ये स्ट्रॉन्गनेस क्या होता है भाई हा ग्रेट करेज बिल्कुल सही है मतलब हिम्मत के साथ करेज का मतलब होता है हिम्मत तो इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्ट्रॉन्गनेस जैसा कोई चीज नहीं है लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा ग्रेट करेज होगा ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है चले आगे चलिए अगला सवाल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर देना सारे पी क्यू आर का क्वेश्चन है इतनी देर से मैं वेट कर रही हूं कि पी क्यू आर कब आएगा एंड नाउ इट्स हेव देखते हैं कौन आंसर दे पाता है शुरुआत करिए भाई जल्दी जल्दी से और आंसर बताइए लेट्स सी हट गए हैं हम सब लोग आंसर दो इसका आंसर आना भी शुरू हो गए हैं भैया स्पीड देख लो यहां पर मैं इसीलिए कहती हूं यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट होने चाहिए जिससे आपको एक रियलिटी चेक मिले कि बाकी स्टूडेंट्स कौन से लेवल पे हैं और आप कहाँ हो अभी है ना बाकी ने आंसर दे दिया देख लो कमेंट सेक्शन देखा करो आ गए हैं आंसर यहां पर चलिए देखते हैं आंसर सही भी आए हैं कि नहीं है ना चलो ओके सो so, सबसे पहले मैंने ऑप्शन देखा मेरे पास जब आया ये पैसेज तो मैं हमेशा सबसे पहले ऑप्शन देखूंगी ठीक ऑप्शन से पता चला पी क्यू आर एस चारों ही पहला स्टेटमेंट बन सकते हैं हमें नहीं पता ये ही कौन है तो पी पहला स्टेटमेंट नहीं बनेगा नहीं पता वैसे हो सकता है कि ही का नाम ना ही पता हो चारों में आ तो फिर नहीं होगा इसमें भी ही आ रहा है इसमें भी ही आ रहा है क्यों में आ रहा है ब्रूनो का नाम लिखा हुआ है जहां नाम होता है पहला स्टेटमेंट वही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू क्यू से शुरुआत होगी और ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्योंकि इसके अलावा कहीं क्यों है ही नहीं शुरुआत में? ठीक है चलो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू एनी डाउट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा सब लोग बताओ इसका आंसर फटाफट से लेट्स सी एस एस सी सीजेल के भी काम आएगा क्यों सोच रहे हो कि कुछ अलग से हो जाएगा बताइए आंसर फटाफट से यार स्पाम मत किया करो क्योंकि आप स्पैम करते हो तो मुझे यहां पे आंसर्स नहीं दिखते हैं ठीक है इतने आप लोग के सवाल हैं तो हम कोई पांच मिनट का सेशन कभी रखवा लेंगे चिटचाट का कि आपके जो सवाल हमारे जवाब ठीक है चलो आओ आंसर बताइए फटाफट से लोग कह रहे हैं होना चाहिए पी से यहां पर शुरुआत हो रही है लोगों की चलिए देखते हैं यहां पर भी पी क्यू आर एस चारों ऑप्शन हो सकते हैं अब जरा ध्यान से देखिएगा मैन मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ हिस टाइम लग तो रहा है यार पी, पी से शुरुआत होगी ऐसा लग तो रहा है दे इससे तो नहीं होगी अब हमें चूज करना है कि शुरुआत पी से होगी कि क्यू से होगी tide and tide have their own course in their routine as per nature's rule they do not wait for anyone qr r तो देखो एक दूसरे के पेयर हैं सबने माना कि qr एक दूसरे का पेयर है ठीक है अब यार दिक्कत ये है कि qr यहां पर भी आ रहा है qr यहां पर भी आ रहा है अब मेरी बात यहां पर कान खोलकर सुनना ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको 99% लोग गलत करते हैं 99% लोगों ने यहां पर पी क्यू आर एस आंसर दिया है बट पी क्यू आर एस इज रॉन्ग इन दिस केस पता है कैसे क्योंकि ये आपसे जनरल चीज कही गई है फिर यहां पर स्पेसिफिकली एक वाइस मैन की बात कही गई है हमेशा जब भी आप कोई पी क्यू आर एस सॉल्व करते हो जो जनरलाइज फॉर्म होता है जनरल चीज होती है हमेशा उसको पहले लिखोगे स्पेसिफिक चीज को बाद में लिखोगे यही इसका रूल है इसलिए सबसे पहले Q आएगा Q के बाद एज इट इज R क्योंकि बधा हुआ है फिर sp इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन वन होगा ना कि फोर ठीक है क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा था लेकिन ये क्वेश्चन ने क्या किया आपको गिरा दिया ठीक है तो चलिए कभी कभी ऐसा भी होता है ये बहुत खास बात है एग्जामिनर की चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तभी तो मैं ऐसा लिए लेकर आई स्पेशली राइट चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट से सारे अभी तो हमारे सीखने का टाइम है तभी मैं बोलती हूँ एग्जाम के दो दिन पहले एक हफ्ता पहले एक महीने पहले से सेशन ज्वाइन करके काम नहीं चलता हर दिन आपको यहाँ पर लगे रहना पड़ेगा चलो बताओ इसका आंसर चलिए मेरी सारी क्लासेस के टाइमिंग आपको पता हो जाएंगे अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम का नाम है अनन्या मैम अंडर स्कोर बुक ठीक है कॉन्सेप्ट क्लास कब होगी या फिर वोकैबलरी कब होगी सब आपको पता चल जाएगा ठीक है चलो हम्म hmm. चलिए, right, लोगों का कहना है DCAB. अच्छा, अब देखो से से हमें पता चला, option से पता चला, चला कि पहला तो चलो डी है अब डी के बाद क्या आना चाहिए चलिए, ठीक है अब डी के बाद क्या आएगा इन सबके लिए देखो सी में लिखा हुआ है दे दे आर्ड फ्लेवर ठीक है बी में लिखा हुआ है तो मुझे यार लग रहा है या तो बी आना चाहिए एक तो ऑप्शन आपका डी बी है ठीक है लेकिन एक जगह हमको डाउट यहां पर हो गया है कि यहां पे अनियन लिखा हुआ है और अनियन की फिर से यहां पर मेंशन करा गया है इसको ठीक है लेकिन इससे हमें पता चलता है कि डी को ही आगे सी में डिस्क्राइब किया गया है डी को ही आगे सी में डिस्क्राइब किया गया है इसलिए डी की चांसेस यहां पे ज्यादा बढ़ जाती हैं अब पढ़ते हैं हम ठीक है इनिशियली टू साउथ वेस्टर्न एशिया अनियंस आर नाउ इन दोन्स ठीक है दे आर फ्रेवर दो दे आर इन लो न्यूट्रिय एग्जैक्टली अब या तो ये है कि डी के बाद बी आएगा या तो बी लास्ट में आएगा और बेटर सेंस क्योंकि डी के साथ सी बना रहा है इसलिए हम जाएंगे जहां पर बी लास्ट में आए और जहां पर सी दूसरे नंबर पे आए ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर बी लास्ट में आ रहा है देखो जरा सी के बाद भी यही ये चीज कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है देखो राइट right? इसलिए आ जाएगा आपका बी बिल्कुल आखिरी में ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर फोर इज द राइट आंसर जब आपका पेयर ना बने ना तो कोशिश किया करो जानने की कि लास्ट वाला कौन सा है लास्ट वाले से भी कई बार आप चीजों को एलिमिनेट कर पाते हो ठीक जो मैंने इसमें क्या मुझे डाउट हुआ मैंने क्या किया समझा कि लास्ट में क्या आएगा बी लास्ट में आना था आंसर निकल गया ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यार देखो ये वाला मैं असाइनमेंट क्वेश्चन आपको दे रही हूं और इसके बाद हम चलेंगे किसके ऊपर क्लोज टेस्ट के ऊपर तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ली लीजिए सेशन को लाइक कर लीजिए हम चलेंगे फिर क्लोज टेस्ट के ऊपर ठीक है आज का ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद क्लोज टेस्ट के बाद कोई क्वेश्चन बचा नहीं है तो मैं दे नहीं पाऊंगी इसलिए डन चलो पी क्यू आर एस क्लास हम अलग से लेंगे अनडाउेडली चलिए अब हम चलते हैं किसकी तरफ क्लोज टेस्ट की तरफ Close test, बहुत डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेगा क्लोज टेस्ट पता है चार पांच नंबर सात नंबर का आता है ठीक है लेकिन आपके लिए स्कोरिंग बहुत होता है सब लोग एक बार पहले इसको पढ़ लीजिए तीस सेकेंड का टाइम है क्लोज -फट टेस्ट में एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट जो करता है स्टूडेंट क्या करता है ना क्लोज टेस्ट में अक्सर क्लोज टेस्ट देखा सीधे पहले पे कूद गए अक्सर केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस में गलती वही होती है जहां पर स्टूडेंट बिना कुछ सोचे समझे सीधे पढ़कर आंसर देना शुरू कर देता यह गलती बिल्कुल मत करिएगा ठीक है चलो आंसर बताओ सब धीरे से देखो फिर मैं आपको पहला क्वेश्चन देती हूं डन द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर देखिए और बताइए सब लोग यार ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है ये आया हुआ सवाल है देखते हैं कौन इसको कर पाता है चलिए इन्वेडेड होना चाहिए यहां पर गोड्स की बात हो रही है सौ बकरियों ने कहीं पर आक्रमण किया होगा सोच कर देखो बकरियां आक्रमण करेंगी नहीं ना बकरियां कहीं पर घुस सकती हैं वो इन्वेड कर सकती हैं इनवेड का मतलब होता है कहीं पर घुसना मेरा परमिशन है जोर जबरदस्ती घुस जाना बस कहीं पर दैट इज इनवेड तो बेटर चॉइस यहां पर इनफैक्ट बेस्ट चॉइस यहां पर क्या है इनवेड है सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर ठीक चलिए ब्लैंक नंबर टू देखना और बताना इसका आंसर सारे लोग वेंचर हाइड या फिर सुरेंडर बताइए चलिए आंसर बताओ सब लोग फटाफट से आंसर बताना चलो Attempt venture hide या फिर surrender. Hide होना चाहिए, देखो जरा यूजली द वाइल्ड हर्ट ऑफ कश्मीरी गोट ओनली डैश इन टू लैंड वनो टाउन इन नॉर्थ वेल्स ठीक है बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर अब सुनिएगा यहां पर मैक्सिमम लोगों ने हाइड दिया है यस सुजीत वेंचर इज राइट आंसर वेंचर एक वर्ब है और वेंचर का मतलब होता है कहीं पर हिम्मत दिखाकर कोई काम करना यूजली जो वाइल्ड गोट होती है ना वो हिम्मत दिखाकर सिर्फ एक ही जगह घुस पाती हैं लेकिन इस बार तो कुछ और हो गया ठीक है वेंचर होगा हाइड से बेटर छुपती नहीं है वो बेसिकली ठीक है छुपने का यहां पर कोई नहीं है बकरियां छुपेंगी क्यों सोच के बताओ बकरियां का छुपने का कोई सेंस है यहां पे नहीं है इसलिए वेंचर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर हाइड देखो लॉजिकली फिट बैठ रहा था लेकिन एक बार सोच कर तो देखो बकरिया छुपेंगी क्यों ठीक है हाँ जी इसलिए यहां पर वेंचर होगा अगला क्वेश्चन देखना ब्लैंक नंबर थ्री और आंसर बताना ये तो यार फ्री के नंबर है आंसर बताओ सारे बाट 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 सोच समझ के आंसर देना गलती भी हो सकती है इसमें सब सारे दीजिए आंसर बिल्कुल फटाफट से इसमें देखते हैं कौन देता है इसका आंसर चलो रेसिडेंस गोट्स पता ही था कुछ लोग यहाँ पर गोट्स देंगे कुछ लोग यहाँ पर रेसिडेंस देंगे अच्छा थ्री पढ़ना लोकल डैश से दैट वहां की जो लोकल बकरियां थी उन्होंने अच्छा बोला तो जिन्होंने गोट दिया है उनके अकॉर्डिंग लोकल गोट से दैट दिस टाइम द अपॉर्चुनिटिस्टिक ऑपरचुनिस्टिक गोट्स वर ड्रॉन बाय अच्छा तो जो लोकल बेचारी बकरियां थी वो आई होंगी रिपोर्टर्स के सामने चश्मा वश्मा पहन के बोल रही होंगी यार क्या बताए वो कुछ बकरियां आके घुस गई है हमारे इलाके में ऐसा हुआ था क्या हा लोकल बकरियां आ गई थी वहां पर रिपोर्टर्स को बताने क्या करते हो यार लोकल रेसिडेंट्स ठीक है वहां के निवासी चलो अगला सवाल मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूं यार ऐसे ऐसे आंसर दे देते हो आप लोग चलिए अब बताना इसका आंसर लेट्स सी एग्जैक्टली जब मैं एंगल हो सकती हूं तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में बताइए आंसर एम टी होना चाहिए बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब देखो जरा ड्रॉन बायटी स्ट्रीट जब खाली स्ट्रीट रहेंगी तभी तो गोट्स चली आती हैं खिंची चली आती हैं उस तरफ बिजी स्ट्रीट पे गोट्स नहीं आएंगी खाली स्ट्रीट्स पे गोट्स आएंगी लॉकडाउन के टाइम की बात हो रही है ये ठीक है एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो क्या हो जाएगा ये आम 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 एम एमप स्ट्रीट एम्टी स्ट्रीट ठीक है ऑप्शन नंबर फोर आखिरी ब्लैंक आपके सामने है फटाफट से आंसर बताइए लेट्स सी जल्दी जल्दी से बताओ सब फटाफट से देखो जरा कौन देता है सही जवाब चलिए फटाफट से आंसर बताओ सारे ओके ओके फीस्टिंग द राइट आंसर इज फीस्टिंग बिल्कुल सही है स्पेंट है पास्ट थ्री डेज यहाँ पे कंटिन्यूएशन का आ रहा है पिछले तीन दिनों से क्या कर रही है

बताओ सबसे पहली बात तो ये है मजा आया एनर्जेटिक था ना सो द सेन वॉज ग्रेट आप लोग हमको डेली रात में दस बजे यहाँ पे एक मॉक टेस्ट देना है एक मॉक टेस्ट बेसिकली हम क्वेश्चन का एक सुपर मॉक देते हैं ठीक है ये पचास क्वेश्चन ना ही आपको तरीका बताता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है बल्कि आपको एक रियालिटी चेक देता है ठीक है ग्राउंड रियालिटी बताता है कि आपके आस पास के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्रिपरेशन क्या है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो लेकिन इसके साथ साथ हर दिन घर पे मॉक टेस्ट जरूर दो सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूं मॉक टेस्ट का मतलब है ओवरऑल जिस भी एग्जाम आप देने वाले हो उसका एक पेपर घर पे बैठ के आपको सॉल्व करना है दैट्स अ मस्ट क्योंकि बिना वो पेपर दिए आप कितना भी कर लो यार मैं तो इंग्लिश करा रही हूं ना सारे सब्जेक्ट तो मैं करा नहीं रही हूं कैसे एग्जाम क्लियर होगा सिर्फ इंग्लिश से थोड़ी ना क्लियर हो पाएगा इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप मॉक टेस्ट दो यहां पर ठीक है चलिए अच्छा रहा है आप लोगों का वेरी गुड वेरी गुड चलो अच्छा यार गुड न्यूज पता है क्या है मॉकटेस्ट मॉकटेस्ट में इतना कर रही हूं तो एक बहुत गजब की न्यूज आप लोग के लिए सिर्फ दो दिन के लिए टेक्स्ट बुक फेस्टिवल इज हियर जस्ट फॉर टू डेज इस टेक्स्ट बुक फेस्टिवल की खास बात पता है क्या है 18 मंथ पास जो ऑलरेडी जा चुका था सिर्फ दो दिन के लिए वापस आया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास मैसेजेस वगैरह आए कि वो नहीं ले पाए हैं उनके पास पेमेंट नहीं हो पाया था कुछ भी सिर्फ दो दिन आज और कल आपको 18 महीने का टेस्टबुक पास मिल रहा है जस्ट फॉर टू डेज आपको सिर्फ यह कोड यूज करना है ANS पास जिससे आपको मिल जाएगा लिंक है, है पहला पहले लिंक पे क्लिक करना टेक्सट बुक पास के पेज पे पहुंच जाओगे वहां जाओगे कोड लगाओगे कोड लगा के आपका पास 375 का हो जाएगा जो ऑलरेडी 49 का है 499 का है थ्री सेवेंटी फाइव हो जाएगा ये कोड लगा के उसके बाद पास आपका तो स्क्रीन शॉट ले लो चाहो तो कोड का इसके अंदर आपको पांच सौ सत्तर से ज्यादा ठीक है तो चलिए आपको तरीका बताते हैं कोड किस तरीके से लगाना है सिर्फ दो दिन के लिए है जैसा कि मैंने आपको बताया है सिर्फ दो दिन पच्चीस और छब्बीस जुलाई ठीक चलो कोड लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूं सिंपली पहले आपको मेरी वीडियो खोलनी है कहा गई मेरी वीडियो सिंपली आइए हमारी वीडियो खोल आपके पास चली रही है ऑलरेडी ठीक है कोई भी मेरी वीडियो आप खोलना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स का फर्स्ट लिंक ठीक है ये वीडियो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लिंक क्लिक करो पहला लिंक जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे टेक्स्ट बुक पास के पेज के ऊपर मैं ब्राइटनेस ज्यादा दिख रही है गाइस लेट मी लेसन इट ठीक है अब क्लियर आपको दिख रहा होगा आई थिंक हाँ जी तो इस पे देखिएगा ध्यान से

लाइफ टाइम तीन साल का सिक्स नाइन नाइन का और नीचे आओ ये दिख रहा है ना अप्लाई कूपन इसको क्लिक करिएगा और यहां पे कोड डालना है कोड क्या है ए एन एस पास ए एन एस पी ए डबल एस ए एन एस पास जैसे ही लिख के आपने अप्लाई किया दे यू गो क्या हो जाएगा सिक्स नाइन नाइन वाला हो चुका है फाइव ट्वेंटी का 499 वाला हो चुका है 375 का आपको दोनों में से जो सही लग रहा है उस पर आप क्लिक करो ठीक है नीचे आइए बाय पे क्लिक कर लीजिए फोन नंबर डाल के लॉग करना लॉग करते ही आपके पास पेमेंट मेथड पूछेगा आप पेमेंट मेथड चूज करके आप पेमेंट करके पास जैसे ही आपके पास आएगा रख लेंगे मैम रख लेंगे सजा के हो जाएगा सिलेक्शन सजा के रखने से पास सिलेक्शन नहीं होगा याद रखना ठीक है कोई फायदा नहीं है पास को सजा के रखने से क्योंकि पास को सजा के रखने से सिलेक्शन नहीं होगा यू विल हैव टू सॉल्व वन मॉक टेस्ट पर डे कम से कम एक मॉक टेस्ट तो हर दिन देना ही देना है एट एनी कॉस्ट ठीक है सुबह सुबह दीजिए शाम को दीजिए दैट्स ऑन यू दैट्स कंप्लीटली ऑन यू और पीडीएफ कहां पर आपको मिलने वाली है पीडीएफ के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ठीक है पीडीएफ नोटिफिकेशन सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको यहां मिलते हैं बाकी गाइस अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है टेक्स्टबुक की सुपर कोचिंग के लिए जो कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी कोचिंग है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक क्या कर सकते हो टेक्स बुक की वेबसाइट विजिट कर सकते हो बीस से ज्यादा वीडियो कोर्सेस पांच से ज्यादा सुपर टीचर्स सारी चीजें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसके अंदर होती है ठीक है इन सुपर टीचर्स से भी पढ़ने का मौका आपको इस सुपर कोचिंग के अंदर मिलेगा टेक्स्ट बुक की सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपकी क्लासेस लेंगी डेली बेसिस पे इसके अंदर और साथ ही ये कोचिंग आपको सिर्फ मिलती है ट्रिपल थ्री रुपीज एक महीने के लिए ठीक है तीन सौ तैतीस रुपए फॉर अ मंथ और इस पर भी अगर आप ये कोड यूज कर रहे हो तो बीस परसेंट का डिस्काउंट सारी सुपर कोचिंग्स के ऊपर फ्लैट ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट आपको देता है मेरा कोड, ठीक है? चलिए सो गाइस मैं आपसे मिलूंगी आप सुबह नौ बजे वाली क्लास में नाइन ए एम टू टेन ए एम वाली क्लास में जरूर आना है अगर अपनी वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है सारे सरकारी नौकरी के एग्जाम्स के लिए सो टेक केयर गाइज यू ऑल अ गुड नाइट यू थैंक यू सो मच बाय पीपल